हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रवीण जांगिर और मैं आज आपके लिए चैप्टर नंबर 5 इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका नाम जेंडर है, वो लेके आया हूँ। हमने आज तक इंग्लिश लैंग्वेज के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ वो चारों चैप्टर आपके बखूबी समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है जेंडर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि नाउन के 3 रूप होते हैं, मतलब नाउन के 3 चीजें बनती हैं, नंबर, जेंडर और केस। नंबर हम फिनिश कर चुके हैं, अब बारी आती है जेंडर की। तो दोस्तों, ये जेंडर होता क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें तो जेंडर संज्ञा का वह रूप होती है जिससे पता चलता है कि संज्ञा स्त्री है या पुरुष, या फिर स्त्री और पुरुष दोनों है, अथवा निर्जीव वस्तु, उसे हम लिंग कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, चारों के चारों एग्जाम्पल नाउन हैं, लेकिन नाउन अपने आप में अलग अलग रूपों में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे फर्स्ट है मैन, सेकंड वुमेन, थर्ड टीचर और फोर्थ है टेबल। तो मैन से हमें ये पता चलता है कि यह संज्ञा का वह रूप है जिससे पता चल रहा है कि ये कोई पुरुष है, जबकि वुमेन से पता चल रहा है कि ये कोई स्त्री है। इसी तरह से टीचर, अगर हम टीचर शब्द को देखें तो टीचर में मैन और वुमेन दोनों आते हैं। यदि महिला शिक्षिका हुई तो उसे भी हम टीचर कहेंगे, जबकि पुरुष शिक्षक होने पर भी हम उसे टीचर ही कहते हैं। इसी तरह से यदि लास्ट वाला शब्द देखें तो वो है टेबल, इससे पता चल रहा है कि ये जो संज्ञा है वो अपने निर्जीव स्वरूप में है, इसलिए ये भी एक जेंडर है। अगर हम बात करें कि जेंडर के इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप्स होते हैं, तो दोस्तों जेंडर के इंग्लिश में 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड फेमिनाइन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ विच इज लास्ट वन न्यूट्रल जेंडर। ये चारों इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर के टाइप्स होते हैं। अब हम इन्हीं टाइप्स को एक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ये चारों प्रकार के जो जेंडर हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैस्कुलाइन जेंडर है, तो मैस्कुलाइन जेंडर हम किसे कहेंगे? तो संज्ञा का वह रूप जिससे पता चले कि संज्ञा कोई पुरुष है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दोस्तों मैस्कुलाइन को हिंदी में पुल्लिंग कहा जाता है। यदि हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, किंग, ड्रैग, स्टैग, डेरीमैन, ड्रोन। ये 5ों के 5ों जो एग्जाम्पल है वो मैस्कुलाइन जेंडर से है। अब ये मैस्कुलाइन क्यों है? क्योंकि ये किसी न किसी पुरुष या मेल के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से यदि हम सेकंड टाइप देखें जेंडर का, तो वो है फेमिनाइन जेंडर। अब ये फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? तो फेमिनाइन जेंडर संज्ञा का वह रूप है जिससे पता चले कि संज्ञा कोई स्त्री है, यानी कि फीमेल है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जो 5ों एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको जो मैस्कुलाइन जेंडर में हमने देखा था ना, ये किंग, ड्रैग, स्टैग, डेरीमैन और ड्रोन, इसी के ये फेमिनाइन जेंडर हैं, क्वीन, डक, हिंड, डेरीमैन और बी। ठीक इसी तरह से यदि हम जेंडर का थर्ड टाइप देखें तो वो है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर संज्ञा का वह रूप है जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा स्त्री और पुरुष दोनों हो, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और फायर फाइटर। ये 5ों एग्जाम्पल्स कॉमन जेंडर के हैं, क्योंकि टीचर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को हम टीचर कहेंगे। इसी तरह से चाहे मेल डॉक्टर हो या फीमेल डॉक्टर हो, उसे हम डॉक्टर ही कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर में मेल और फीमेल दोनों को रखा जाता है। यदि कोई मेल डॉक्टर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो भी हम उसे डॉक्टर कहेंगे, जबकि फीमेल डॉक्टर के हॉस्पिटल में काम करने पर भी हम उसे डॉक्टर ही कहेंगे। ऐसे थर्ड है लॉयर, फोर्थ है इंजीनियर और फिफ्थ है फायर फाइटर। दोस्तों फायर फाइटर को हम हिंदी में अग्निशमन कर्मचारी कहते हैं, चाहे वहाँ पे मेल काम करे या फीमेल काम करे, उन दोनों को ही हम फायर फाइटर कहते हैं। अब यदि हम जेंडर के फोर्थ टाइप की बात करें तो फोर्थ टाइप कुछ इस तरह से है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर संज्ञा का वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि संज्ञा कोई निर्जीव वस्तु है, उसे ही हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब जो ये चारों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो चारों एग्जाम्पल न्यूट्रल जेंडर के हैं। दोस्तों जो फोर्थ टाइप है इसमें ट्री, ट्री को साइंटिफिक लैंग्वेज में यानी कि साइंस में इसे सजीव माना जाता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसे हम निर्जीव मानते हैं, इसीलिए ट्री के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो निर्जीव वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। जेंडर वाले टॉपिक में फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाते हैं उसके इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ना कुछ नियम दे रखे हैं, उन्हीं नियमों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, फेमिनाइन जेंडर बनाने का जो पहला नियम है हमें ये बताता है कि निम्न संज्ञाओं के अंत में यदि हम ESS जोड़ देना तो वो स्त्रीलिंग बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है, लॉइन,
लॉइन का स्त्रीलिंग क्या होगा, फेमिनिन जेंडर लॉइनेस। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैंने लगभग लगभग जितने भी शब्द होने थे जो इस नियम में आने थे वो मैंने लिख दिए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है। तो फर्स्ट इसमें था लॉइन लॉइनेस, पॉइट पॉइटेस, ऑथर ऑथरेस, एयर, दोस्तों ध्यान रखना ये हेयर नहीं है, ये है एयर। एयर का मतलब होता है पुरुष उत्तराधिकारी, इसका फेमिनिन जेंडर होगा एयरेस। जायंट जायंटेस, प्रोफेट प्रोफेटेस, प्रिस्ट प्रिस्टेस, पैट्रन पैट्रनेस, मेयर मेयरेस, और इसी तरह से गेस्ट गेस्टेस, होस्ट होस्टेस, ज्यू ज्यूज, मैनेजर मैनेजरेस, स्टेफर्ड स्टेफर्डस, मर्डरर मर्डररेस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनमें मैंने आपको कुछ यहाँ पे बाईं तरफ दो शब्द लिखवाए हैं जिनमें प्रिंस और गॉड है। तो देखिए दोस्तों प्रिंस में लास्ट में ई आ रहा है, तो इसमें दोबारा से ई डबल एस जोड़ने की जगह केवल डबल एस जोड़ा गया है। इसी तरह से गॉड का फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए इसके अंतिम अक्षर को डबल करके और फिर ई डबल एस जोड़ा गया है। अगर हम बात करें इसके रूल नंबर टू की, तो रूल नंबर टू यह बताता है कि जो नीचे लिखी गई संज्ञाएं हैं ना उनके अंतिम स्वर को हटाकर और ई डबल एस जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में क्या कर रखा है, एनचेंटर, एनचेंटर का मतलब होता है जादूगर, उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके लास्ट में अक्षर आ रहा है आर, लेकिन हमें लास्ट वाला अक्षर नहीं देखना है, केवल जो लास्ट में वोवल आ रहा है। तो अगर हम देखें तो इसमें तीन वोवल आ रहे हैं, एक तो एनचेंटर में शुरू वाला ई, इसके बाद में ए, और इसके बाद में लास्ट वाला ई आ रहा है। तो दोस्तों मैंने किया क्या है, यहाँ पे जो लास्ट में ई आ रहा है वोवल आ रहा है उसी को हटाकर मैंने ई डबल एस जोड़ा है। तो इस तरह से एनचेंटर एनचेंट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस। तो देखिए दोस्तों इसमें लास्ट में क्या आ रहा है वोवल, ओ, तो ओ को हटा के और फिर मैंने क्या किया ई डबल एस जोड़ा है। इसी तरह से बेनिफैक्टर बेनिफैक्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, एक्टर एक्ट्रेस, फाउंडर फाउंड्रेस, वेटर वेट्रेस, ट्रेटर ट्रेट्रेस, सेमेस्टर सेमेस्ट्रेस, हंटर हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट्रेस, प्रिसेप्टर प्रिसेप्ट्रेस, सॉन्गस्टर सॉन्गस्ट्रेस, टेम्प्टर टेम्प्ट्रेस। तो देखिए दोस्तों मैंने इस नियम में भी बाईं तरफ कुछ दो शब्द लिख रखे हैं, इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट वर्ड है सोर्सरर, सोर्सरर का मतलब होता है जादूगर। अब सोर्सरर का स्त्रीलिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि इसमें जो लास्ट में वोवल आ रहा है ना उसको भी हटाया है और लास्ट वाले लेटर को भी हटाया है, मतलब इसमें जो लास्ट में ईआर आ रहा है ना उसको हटाना पड़ा है, फिर जाकर कहीं इसका स्त्रीलिंग बना है सोर्सरेस सोर्सरेस। एम्परर एम्परर में भी वही किया है मैंने, ओ आर लास्ट में जो ओ आर आ रहा है ना उसे हटाया गया है, इसी तरह से इसका स्त्रीलिंग बना है एम्प्रेस। अगर हम इस वीडियो में आने वाला जो अंतिम रूल है फेमिनिन जेंडर बनाने का उसके बारे में बात करें तो वो रूल नंबर थर्ड है। तो इसमें कहा गया है कि ये जो कुछ गिनी चुनी है जो मैंने यहाँ पे चार एग्जांपल दिए ना इनका स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या करेंगे हम, इनका जो लास्ट वाला वोवल है ना उसे तो हटाएंगे लेकिन साथ ही साथ में ना तो ई डबल एस जोड़ेंगे ना डबल एस जोड़ेंगे, क्या जोड़ना होगा, केवल आई एक्स। देखो अजीब सा रूल है ना, मतलब आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट तो जरूर मिल रहा है ना, तो ये आई एक्स कब जोड़ते हैं, आपने अभी सिंपल चीज देखा होगा कि भाई हाँ किसी भी चीज का स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसका अपोजिट जेंडर लिख दो, जैसे बॉय का गर्ल फादर का मदर। तो इसमें कुछ नियम ऐसे भी होते हैं आई एक्स भी जोड़ा जाता है। यदि आपको अपने आप को डिफरेंट दिखाना है तो प्लीज आप इस नियम को जरूर याद रखिएगा और फिर अपने दोस्तों से पूछिएगा, इससे क्या होगा पूछने से आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और सामने वाले को नॉलेज और मिलेगा। तो देखिए दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक। अब इसमें लास्ट वाला वोवल क्या है, ओ, तो ओ को हटाइए और फिर मैंने आई एक्स जोड़ा। इस तरह से इस वर्ड का जो फेमिनाइन वर्ड है उसका प्रोनंसिएशन क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। ऐसे सेकंड देखें, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स, टेस्टेटर टेस्टेट्रिक्स, प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों मैं इनका हिंदी अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हिंदी मैंने ऑलरेडी लिख दी है, तो हिंदी यहाँ पे जो लिखी हुई है उसको आप याद रखना, केवल मैं जो इंग्लिश के वर्ड है वही प्रोनंसिएट करके बता रहा हूं मैं आपको। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि रूल नंबर चार का कोई नियम नहीं है, मतलब हम आने वाले शब्दों में ई डबल एस या लास्ट वाला वोवल हटाकर ई डबल एस जोड़ना या आई एक्स जोड़कर फेमिनाइन जेंडर नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि रूल नंबर चार हमें ये कहता है कि जितनी भी अब आने वाली संज्ञाएं होंगी नाउन्स होंगे उनका स्त्रीलिंग बनाने का कोई नियम नहीं है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा,
आपकी सहूलियत के लिए मैंने रूल नंबर 4 को दो भागों में बांटा है, एक इजी वाले वर्ड्स और दूसरे हैं हार्ड वाले, डिफिकल्ट वाले वर्ड्स देखेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, इजी वर्ड्स में वो शब्द शामिल हैं जिनका स्त्रीलिंग आपने अपनी बुक्स वगैरह में और सब में देखा होगा आज तक, जब भी जितना भी आपने पढ़ा है। तो देखिए हम शुरू करते हैं इजी वाले टॉपिक से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है किंग, यानी राजा होता है, किंग का फेमिनाइन क्या होगा? क्वीन। ऐसे डॉग का बिच, कॉक, कॉक यानी मुर्गा होता है दोस्तों, उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? हैन। सर, मैडम, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, मैन, वुमेन, हस्बैंड, वाइफ। इसी तरह से नेफ्यू का होगा नीस। दोस्तों ध्यान रखना, नेफ्यू का जो फेमिनाइन जेंडर है नीस, इसे नाइस न बोलें, कि इसका जो करेक्ट प्रोनंसिएशन है वो होता है नीस, एन आई ई सी ई। अगर हम फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए इन इजी वर्ड्स में से कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें तो उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉक्स, विक्सन। दोस्तों ये जो फॉक्स वाली स्टोरी है ना, वो मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे अभी कुछ स्कूलों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कंपटीशन जो कोचिंग होती है वहाँ पे, और कॉलेज में मैंने एक दो बार पढ़ाया है, तो इन सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। इन 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जिस भी बच्चे को, यानी कि जिस भी स्टूडेंट को ये पूछा है ना कि लोमड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो डायरेक्टली वो क्या कहते हैं? फॉक्स। जबकि वो आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों। फॉक्स यानी लोमड़ा होता है, नर जो लोमड़ी होती है ना उसे कहते हैं फॉक्स, विक्सन होता है लोमड़ी, इसका ध्यान रखिए दोस्तों। आप उम्मीद है कि आप इस वीडियो में आप देख रहे हो ना कि भाई जो लोमड़ी को क्या कहते हैं अपन, विक्सन, तो विक्सन याद रखिएगा। इसी तरह से हॉर्स, मेयर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। इसी तरह से अगर हम और शब्द देखें ना ग्रैंडफादर से रिलेटेड, जैसे ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर होता है, ऐसे स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, पीकॉक, पीहेन, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना होता है तो मैटरनल ग्रैंडमदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेल, फीमेल। ये सभी एग्जांपल कुछ इजी वर्ड्स के थे। तो दोस्तों अब हम अगर हार्ड वर्ड्स की तरफ चलें, जो कठिन है शब्द, जो कि आपके बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं प्राय, ना आपको कहीं देखने को मिले होंगे, अगर मिले होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें बिल्कुल प्लीज आप कंटेस्ट याद करिएगा। यदि इन्हीं हार्ड वर्ड्स में अगर कुछ देखें तो फर्स्ट है बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा लड़का, इसका फेमिनिन जेंडर होगा स्पिनस्टर। ट्यूटर, गवर्नेस, ट्यूटर होता है निजी शिक्षक, जैसे ट्यूशन कराने वाले होते हैं उन्हें ट्यूटर बोलते हैं, यदि वो मेल हुआ तो, लेकिन यदि वो फीमेल है तो उसे हम बोलेंगे गवर्नेस। सेल्समैन, सेल्स गर्ल, बोटमैन, बोट वुमेन, टॉम कैट, टैबी कैट, बिली गोट, नैनी गोट। देखिए दोस्तों, हम चाहे बकरा हो या फिर बकरी हो, दोनों को हम नॉर्मली क्या बोल देते हैं? गोट। लेकिन वास्तव में जो नर बकरा होता है उसे हम बोलते हैं बिली गोट, इसी तरह से बकरी को बोलेंगे नैनी गोट। स्पोक्समैन, प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन। चेयरमैन, चेयरपर्सन, हाँ ध्यान रखिएगा जो चेयरमैन होता है वो पुरुष सभापति हुआ तो वो चेयरमैन, लेकिन महिला सभापति होने पर उसे हम बोलेंगे चेयरपर्सन। वॉटरी, वॉटरेस, डेरीमैन, डेरीमैड, वाइसरॉय, वाइसराइन, मरमैन, मरमैड, स्कूलमास्टर, स्कूलमिस्ट्रेस, मिस्टर, मिसेज। ऐसे ही अगर हम और इसके कुछ एग्जांपल देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्वैन। स्वैन का हिंदी अर्थ होता है किसान और ग्रामीण, दोनों को ही हम स्वैन बोलते हैं, तो इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा निम्फ। ऐसे फ्रायर और मॉन्क, दोनों का ही मतलब सन्यासी होता है, इसका स्त्रीलिंग होगा नन। ऐसे हार्ट, रो, बक, डो, बुलक, हीफर, ऑक्स, काउ, ड्रोन, बी, एबट, एबेस, जैकास, जेनियास। हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो गधा होता है ना उसे हम बोलते हैं जैकास, जबकि मादा जो गधा होता है उसे हम बोलते हैं जेनियास। ऐसे ही मैन सर्वेंट, मैड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्कमैड। ध्यान रखिएगा मिल्कमैन का मतलब दूध बेचने वाला नहीं होता है, उसका जो मीनिंग है वो आगे आएगा अभी। तो मिल्कमैन यानी होता है ग्वाला, जो गाय भैंसों को चराने जाता है ना सुबह सुबह, उसे हम बोलते हैं मिल्कमैन। ऐसे ही जार, जरीना। इस वर्ड की तरफ ध्यान दीजिए दोस्तों, इस जार की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे? सी जेड ए आर, इसमें सी साइलेंट रहता है, तो इसका प्रोनंसिएशन कैसे होगा? जार। जार का मतलब होता है रूस का सम्राट, रूस का जो महाराजा होता है उसे हम बोलते हैं जार। इसका फेमिनाइन क्या होगा? सिजेरियन नहीं, अरे भाई सिजेरियन किसका ऑपरेशन करवाओगे आप? देखो यहाँ पे जो ये
जो ये शब्द लिखा हुआ है ना उसको बोलते हैं जरीना, सी साइलेंट टेस में, तो सी नहीं भूलेगा, अब बोलते हैं जेड ए आर आई एन ए, जरीना। तो दोबारा बोलता हूं मैं दोस्तों, जार जरीना, ऐसे सुल्तान सुल्ताना, मार्की। अब यहाँ पे ये भी देखना, मार्की की स्पेलिंग क्या है, एम ए आर क्यू यू आई एस, तो मार्कीज नहीं है ये, मार्की है, तो इसको बोलते हैं सामंत। तो ऐसे ही मार्सिनेस, मार्की मार्सिनेस, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की तरफ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो मार्की है उसका स्त्रीलिंग होता है मार्सिनेस, स्पेलिंग है एम ए आर सी एच ओ आई एन ई डबल एस, मार्सिनेस, मार्कोइनेस नहीं, मार्सिनेस, ठीक है। ऐसे ड्यूक डचेस, निग्रो निग्रेस। अगर हम और कुछ एग्जाम्पल देखें तो इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल हैं इनके, और वो है मास्टर मिस्ट्रेस, मास्टर यानी स्वामी भी होता है और मास्टर यानी शिक्षक भी होता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में इनका जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा मिस्ट्रेस। अगर मास्टर का मतलब लड़का होता है, एक विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह से इसका स्त्रीलिंग होगा मिस। ऐसे रैम, रैम यानी होता है मेंढा, हम ये कह सकते हैं द हस्बैंड ऑफ शीप, हस्बैंड ऑफ शीप, ओके। स्त्रीलिंग होगा वो होगा यू, अब इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान देना, यू की स्पेलिंग वाई ओ यू भी होता है प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन होता है ना यू, यू यानी तुम, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है ना ई डब्ल्यू ई, इसको भी हम यू ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये एव नहीं है। इसी तरह से हम देखें स्टैग, तो इसका होगा हाइंड। विजार्ड विच, ये विच है दोस्तों, विच नहीं है, जादूगरनी को बोलते हैं विच। लवर बिलव्ड, हाँ ये तो जरूर पता होगा आपको, खैर। लैड लैस, लैड यानी लड़का और लैस यानी लड़की। जेंटलमैन लेडी, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, विडोवर विडो, बोर सो, एंड लास्ट वन इज बुल बफेलो। जो भी मैंने आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स दिए थे इनकी तरफ आप जरूर याद रखेंगे, जरूर ध्यान देंगे, इनको कंटेस्ट याद करने की कोशिश करेंगे। और हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वास्तव में आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, यदि आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिल रहे हैं, यदि आपको नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, और आपको यदि लग रहा है कि इन वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और एडवांस नॉलेज देखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहें तो लेकिन मेरे वीडियो रोज़ाना देखा करो, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको रोज़ाना नई नई चीज़ों से अपडेटेड करता रहूँगा। रूल नंबर 4 के बाद में जो बाकी जितने भी रूल्स हैं इसमें, वो सारे मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 5 हमें ये कहता है कि निम्न संज्ञाओं का प्रयोग इनकी सुंदरता कोमलता और सज्जनता के कारण हमेशा स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो मैंने नीचे जो भी संज्ञाएँ लिखी हैं इनका प्रयोग हमेशा फेमिनिन जेंडर में किया जाता है, या यूं मान लीजिए आप कि ये कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मून, अब देखिए जो चंद्रमा होता है रात को जब निकलता है तो काफी अच्छा सुहावना लगता है ना, काफी सुंदर लगता है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। ऐसे ट्रुथ जस्टिस फेम द अर्थ स्प्रिंग, देखिए दोस्तों जो स्प्रिंग का जो सीजन होता है ना बसंत ऋतु, वो काफी अच्छा सुहावना लगता है, उसमें जो सभी चीजें होती है काफी सुंदर सुंदर सी दिखती हैं, काफी साफ सुथरी दिखती हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। ऐसे चैरिटी होप मर्सी पीस रिवर लिबर्टी नेचर शिप एंड प्राइड। तो कुल मिलाकर ये कहना है दोस्तों इस नियम में जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं वो स्त्री की तरह बड़े कोमल होते हैं, बड़े शांति प्रिय होते हैं, और कुछ शब्द तो इसमें खुद ही स्वयं स्त्रीलिंग लग रहे हैं, जैसे दया ये स्त्रीलिंग नाम लग रहा है, ऐसे शांति आजादी, तो ये सभी जो नाम है जो नाउन्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं इन सभी का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में किया जाता है। यदि अब हम रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 हमें यह कहता है कि जो नीचे लिखी हुई संज्ञाएं हैं वो हमेशा पुल्लिंग रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रिक्ट दृढ़ होती हैं और इनमें काफी पावर होती है, या यूं मान लीजिए जो शब्द मैंने नीचे लिखे हैं वो सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनका अपनी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है। और वैसे भी देखें तो एक आदमी जो होता है वो काफी स्ट्रिक्ट होता है, दृढ़ होता है, वो कभी रोता नहीं है, इसलिए इन शब्दों की तुलना एक आदमी से की गई है। अब अगर हम एग्जाम्पल की तरफ देखें तो एग्जाम्पल में फर्स्ट है वाइन, वाइन का मतलब होता है शराब। देखिए दोस्तों जो शराब पीते हैं वो अपने घर को उजाड़ बैठते हैं, इसलिए ये काफी दृढ़ होती है, काफी नेगेटिव वर्ड है। ऐसे वॉर ओशियन थंडर समर, गर्मी का मौसम तो किसको अच्छा लगता है, काफी काफी बेकार मौसम होता है,
लेकिन भैया गर्मी का मौसम भी है ना, अपने आप में काफी दृढ़ होता है कि गर्मी में तो गर्मी ही पड़ेगी। ऐसे विंटर कड़ाके की ठंड किसको ज्यादा पसंद होती है? डेथ, डेथ तो अपने आप में स्ट्रिक्ट है, ये तो आएगी, इसका तो टाइम फिक्स होता है। इसी प्रकार से यदि हम टाइम की बात करें तो ये टाइम बड़ा कठोर होता है, दृढ़ होता है, अपने इरादों में बड़ा अडिग होता है, वो कभी रुकता नहीं है। वो अलग बात है कि सहेली डाउन हो जाए तो टाइम तो रुकेगा, लेकिन जो भी एक यूनिवर्सल टाइम होता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह से द सन, और इसी तरह से लास्ट में है लव। अब अगर हम रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 हमें कुछ इस तरह से कहता है कि जो छोटे जानवर होते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हुए, चींटी हुई, चूहे हुए, सांप हुए, तो ये जो आकार में बिल्कुल ही छोटे जानवर होते हैं उनको हमेशा नपुंसक लिंग माना जाता है, अतः इनके लिए भी आप आवश्यकता अनुसार इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, फर्स्ट एग्जांपल है ही इज ए स्नैक। तो देखिए दोस्तों, स्नैक जो होता है वो छोटा जानवर माना जाता है, और इसके लिए मैंने किसका यूज किया है, ही का, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्नैक एक नपुंसक लिंग माना जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग ही की जगह इट का होना चाहिए था। इसी तरह से आप सेकंड सेंटेंस मुझे बताएंगे कि सेकंड सेंटेंस में क्या गलती की गई है। अगर हम बात करें रूल नंबर 8 की, तो रूल नंबर 8 हमें ये कहता है कि जो कलेक्टिव नाउन, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, पूरे विस्तार से हमने इसके बारे में बताया था आपको, कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उनको भी हम नपुंसक लिंग मानते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन के लिए भी हमें आवश्यकता अनुसार इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें ना, तो फर्स्ट एग्जांपल है द कमेटी हैज डिपॉजिटेड हिज रिपोर्ट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कमेटी ने है अपनी जो रिपोर्ट्स है वो डिपॉजिट करवा दी है, तो यहाँ पर कमेटी के लिए मैंने हिज का प्रयोग किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ हिज की जगह इट्स आना चाहिए था, क्योंकि कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है और इनको नपुंसक लिंग माना जाता है जब तक कि इनका जेंडर हमें पता ना हो। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में मैंने क्या गलती की है दोस्तों, ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें अब रूल नंबर 9 की, तो रूल नंबर 9 हमें ये कहता है कि ये मैंने जो तीन शब्द लिखे हैं ना, बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, इनका सेक्स एग्जैक्टली पता न होने पर इन्हें हम कॉमन नाउन मानते हैं, और इसके लिए भी हम इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें, द चाइल्ड इज ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे चाइल्ड का जो सेक्स है वो स्पेसिफाइड नहीं है, इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं दी गई है, इसलिए चाइल्ड को हमने क्या माना, कॉमन नाउन माना, और इसके लिए यहाँ पे हर की जगह इट का प्रयोग होना चाहिए था। इसी तरह से यदि हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, तो सेकेंड सेंटेंस में बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है कि द इन्फेंट इज ए गर्ल, कि जो शिशु है वो एक लड़की है, इसलिए शी इज प्लेइंग इन हर क्रेडल, इसलिए वो अपने पालने में खेल रही है। क्रेडल का मतलब होता है पालना, पालने का प्रयोग छोटे बच्चों को सुलाने के लिए किया जाता है। रूल नंबर 10, इसमें मैंने कुछ जानवर और पशुओं के स्त्रीलिंग नाम लिखे हैं, साथ साथ में पुल्लिंग नाम भी है, इनको भी आपको कंटेस्ट याद करना है। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे कुछ जानवर और पशुओं के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम भी देख लेते हैं, जैसे ड्रोन एंट, नर चींटी, ऐसे मादा चींटी को हम क्या बोलेंगे, क्वीन एंट। इसी तरह से बुल कैमल, काऊ कैमल, ब्लैक बैक चिंपैंजी, एम्प्रेस चिंपैंजी, बुल क्रोकोडाइल, काऊ क्रोकोडाइल, ड्रैग डक, हैंड डक, बुल एलिफेंट, बुल एलिफेंट का मतलब होता है नर हाथी। इसी तरह से इसका स्त्रीलिंग होगा काऊ एलिफेंट, बुल एल्क, काऊ एल्क, हॉग फेरेट, जिल फेरेट, बुल जिराफ, काऊ जिराफ, गेंडर गूस। इसी तरह से यदि इसमें जो लास्ट आने वाला वर्ड है वो है ट्यूर्सल हॉक, इसे बोलते हैं हैंड हॉक। तो देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि इन शब्दों के आने वाली जो हिंदी है वो मैं नहीं बोलता हूँ। मेरा जो मेन मकसद है यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स का प्रोनंसिएशन करना, ताकि आपको सडन से इंग्लिश के वर्ड बोलना आए। तो देखिए दोस्तों, जो भी हिंदी लिखी हुई है उसके सामने लिखी हुई है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर हम इसी के कुछ और एग्जांपल देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं, जैक कंगारू, जेनी कंगारू, बक माउस, डो माउस, ध्यान रखिएगा बक माउस का मतलब होता है नर चूहा। इसी तरह से बक रैबिट, बक रैट, जो रैट, सी स्टैलिन, सी मेयर, कॉब स्वैन, पैन स्वैन, स्टैग टर्की, हैंड टर्की, बुल वेल, काउ वेल, स्टैलिन जेब्रा, मेयर जेब्रा।
अगर आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर सकता हूँ, और वो ये है कि इसमें जितने भी नाम आए हैं जानवरों के या पशु पक्षियों के नाम आए हैं ना, उन नाम को आप इंटरनेट पर सर्च करिए और साथ साथ में उनकी फोटो भी देखिए, क्योंकि फोटो देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये जो शब्द है वो अच्छी तरह फिट बैठ जाएंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। जब भी आप इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो इनकी जो इमेजेस हैं, इनकी जो फोटो है, वो आपको दिमाग में आएगी, और ये दिमाग में आई हुई फोटो आपको इन चीजों को याद करने के लिए लंबे समय तक फायदेमंद रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में कि बिना एक्सरसाइज के हम किसी भी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सरसाइज तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, जेंडर से रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमें ये कहती है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट जेंडर। यहाँ पे मैंने कुछ चार एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स में से आगे ब्रैकेट भी दिए हैं, इन ब्रैकेट्स में आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन वर्ड दे रखे हैं, आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को खाली स्थान में भरना है। अगर हम शुरुआत करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में है दैट खालिस्तान इज द फादर ऑफ फोर डॉटर्स। अब ये बताइए, चार बेटियों के जो पिताजी होंगे वो विडो होंगे या विडोवर? विडो तो यानी विधवा होती है, और विडोवर यानी होता है विदुर, तो सही शब्द कौन सा बैठ रहा है यहाँ पे? विडोवर। दैट विडोवर इज द फादर ऑफ फोर डॉटर्स, क्योंकि यहाँ पे जो फादर है वो मैस्कुलाइन है, तो हमें मैस्कुलाइन वर्ड का ही चुनाव करना है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल देखें, लिखा हुआ है इसमें कि द खालिस्तान इज पोइटेस एंड प्रिस्टेस। अब पोइटेस एंड प्रिस्टेस का हिंदी क्या होता है? पोइटेस मींस होती है कवियत्री, जबकि प्रिस्टेस का मतलब होता है पुजारिनी। तो अब यहाँ पे आपको फेमिनाइन वर्ड चुनना है, तो हीरो आएगा या हीरोइन? जरा सोचिए ध्यान से, यहाँ पे आएगा हीरोइन। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में द खालिस्तान सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ, इसका मतलब है कि किसी ने अपने पति को बचाया। अब भैया यहाँ पर जो हर का यूज हो रहा है वो स्त्रीलिंग के लिए हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे वाइफ आएगा या हस्बैंड? चलो मैं दोनों शब्दों को खालिस्तान में भर के देखते हैं और फिर इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। द वाइफ सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ, पत्नी ने अपने पति को मृत्यु से बचाया, एक तो ये। और एक ये है कि द हस्बैंड सेव्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डेथ, एक पति ने अपने पति को मृत्यु से बचाया, तो सही सेंटेंस जच नहीं रहा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सही क्या आएगा? वाइफ। इसी तरह से फोर्थ वाला आप मुझे बताइएगा दोस्तों कि इसमें खालिस्तान में ट्रेटर आना चाहिए या ट्रेटरेस आना चाहिए, ठीक है? अगर हम बात करें दूसरी एक्सरसाइज की, तो दूसरी एक्सरसाइज कुछ इस तरह से कहती है कि आपको करेक्ट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो मैंने पांच सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं ना, उनमें से एक कुछ एरर पार्ट है, यानी कि इन पांचों भाग में से कोई एक भाग गलत लिखा हुआ है, उसको हमें सही करना है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ इस तरह से ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर हम देखें तो पता चलता है शी मेट ए विडो एंड हेल्प्ड हिम, वह एक विधवा से मिली और उसकी मदद की। तो देखिए दोस्तों, वो मिली किससे? विधवा से। और विधवा के लिए इसके पार्ट फोर में देखिए क्या यूज हुआ है? हिम। हिम का यूज हमेशा मैस्कुलाइन के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, जबकि वो मिली थी विधवा से और विधवा की ही हेल्प की थी उसने, तो यहाँ पे हिम की जगह हर आना चाहिए। यदि हम अब सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो इसमें लिखा हुआ है द शेफर्डेस टेक्स केयर फॉर हिज शीप। अब इस सेंटेंसेस में भी वही गलती है, शेफर्डेस का मतलब क्या होता है? गडराइन, भेड़ बकरियों को चराने वाली जो औरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शेफर्डेस। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है इसका, हिज शीप की जगह होना चाहिए था हर शीप, क्योंकि जो भेड़े हैं ना वो किसकी हैं? शेफर्डेस की, तो शेफर्डेस स्त्रीलिंग हुआ, स्त्रीलिंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं? हर। इसी तरह से यदि थर्ड सेंटेंस की तरफ चलें तो पता चलता है द क्वीन अलाइटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, रानी अपने घोड़े से उतरी। अलाइट का मतलब होता है उतरना, तो यहाँ पे भी फोर्थ सेंटेंस में ही गड़बड़ी है, और वो है हिज हॉर्स की जगह आना चाहिए था हर हॉर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्वीन है, अब जो रानी है वो अपने खुद के घोड़े से उतरी थी ना, तो मतलब यहाँ पे अपना, अपने और अपने के लिए हम हिज और हर दोनों का यूज करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि हिज का प्रयोग होता है मैस्कुलाइन के लिए, जबकि हर का प्रयोग होता है फेमिनाइन के लिए। तो दोस्तों, फोर्थ सेंटेंस में क्या गलती की है वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो आने वाला फिफ्थ सेंटेंस है उसको क्लियर करना चाहूंगा। इसमें लिखा है शी इज ए लेडी डॉक्टर। देखिए, हमने अपने आसपास
अपने मोहल्ले पड़ोस में भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये लेडी टीचर है, ये लेडी डॉक्टर है, ये लेडी इंजीनियर है। जबकि सही बात तो ये है कि किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हम लेडी का यूज नहीं करते हैं। मतलब किसी के लिंग का पता करना हो, किसी के लिंग के बारे में बताना हो, तो हम यहाँ पे लेडी की जगह वुमेन का प्रयोग करते हैं। इसलिए सेंटेंस सही किस तरह से होना चाहिए था, शी इज ए वुमन डॉक्टर। तो यहाँ पर जो गड़बड़ी है ना, जो गलत वाला हिस्सा है, वो है थर्ड वाला, ए लेडी की जगह आना चाहिए था ए वुमन। अगर हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो लास्ट टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपको ये जो नीचे दिए गए 12 जो शब्द हैं इनका क्या बनाना है। मुझे पता था आप बोलोगे स्त्रीलिंग बनाना है। अरे नहीं भाई, सही ढंग से देखो, चेंज इनटू मैस्कुलाइन जेंडर। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं वो सारे फेमिनिन हैं, इनका मैस्कुलाइन बनाना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो 12 वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनका मैस्कुलाइन जेंडर बनाएंगे आप, खुद बनाएंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख के देंगे। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो तक जेंडर वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। अब आने वाले वीडियोस में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है केस। केस का मतलब होता है कारक। उस कारक के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्या कारक होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके क्या क्या नियम हैं, वो सारी चीजें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं पहले भी कहता आया हूँ आपको कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं पूरा नॉलेज दे के छोड़ूंगा आपको, एक भी चीज नहीं छोड़ना चाहूंगा। अगर आपको ये लगता है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस में आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, आपका वो नॉलेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो प्लीज अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ में बेल आइकन को हिट भी कर सकते हैं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल्स, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर पर सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।